नमस्कार दोस्तों, आपका वेलकम स्टॉक टिप्स में मैं आपका पहला दोस्त संदीप आपके सामने बढ़िया वीडियो लेके आया दोस्तों। आपका ज्ञान और प्रॉफिट होने का मोटिव हम बना रखे हैं दोस्तों। अभी हम बात करने वाले बढ़िया शेयर के बारे में दोस्तों। इसने कई बार प्रॉफिट बना के दिया है लोगों को सही मायने में, और सही बातें हैं दोस्तों, इसको झुटलाया नहीं जा सकता। मगर दोस्तों पिछले कुछ महीनों से इसमें जो लड़ी लगी है गिरने की, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। तो क्या दोस्तों आने वाले दिनों में इसमें हमें प्रॉफिट बनाने का चांसेस मिल सकता है क्या दोस्तों? अगर आपने थंबनेल ठीक से देखा होगा, उसमें जो बातें लिखी है दोस्तों वो सही बात है। आप के पोर्टफोलियो में अगर ये शेयर है तो आपको भाग खड़ा होना है, क्योंकि दोस्तों ये आने वाले दिनों में आपको और कुछ ऐसे रुझान दिखाएगा जैसे शायद आप शॉक हो सकते हैं दोस्तों। मैं बात कर रहा हूँ अभी JSW स्टील के बारे में दोस्तों। इसके रुझान, उसके टेक्निकल चार्ट, इसके फंडामेंटल क्या बोल रहा है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, और इसके वीकनेस क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या बनी हुई अभी मार्केट में, और किस तरह से इसमें हमें आने वाले ट्रेड बनेंगे, तो इसके बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते सीधा सबसे पहले इसके टेक्निकल चार्ट पर, जानेंगे इसके आने वाले रुझान के बारे में। मगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट जरूर करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल नोटिफिकेशन प्लीज प्लीज जरूर दबाना दोस्तों, क्योंकि जब भी हमारा वीडियो बने सीधा आपके इनबॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिससे आपका ज्ञान बनने का और प्रॉफिट बनने का मोटिव बना रहेगा, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं टेक्निकल चार्ट। दोस्तों अभी हम आए टेक्निकल चार्ट पे, यहाँ टेक्निकल चार्ट पे देख रहे हैं किस तरह का यहाँ पे हमें दिख रहे दिखे दोस्तों। ये यहाँ से मार्केट गिरता हुआ यहाँ पे आके थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके और फिर थोड़ा ऊपर चढ़ते हुए यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रेशन दिखा रहा है। मगर क्या दोस्तों आने वाले दिनों में इसमें रुझान भैया देखने मिल सकते हैं कि दोस्तों? बात करेंगे हम भैया रुझान के बारे में, तो दोस्तों इसमें हमें जानना है किस तरह से जो हमें पैटर्न फॉर्म हुआ है दिख रहा है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 52 वीक्स जो हाई है दोस्तों वो रहा था 297 रुपीज़ का था दोस्तों। वहाँ से मार्केट कंटिन्यूसली गिरते हुए यहाँ तक आ गया, फिर उसके बाद दोस्तों उसने 297 का हाई लगाने के बाद फिर दोस्तों उसने लगाया था 132 रुपीज़ का लो दोस्तों। 52 वीक्स लो लगाने के बाद ये शेयर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके थोड़ा ऊपर चला गया, और ऊपर जाके उसने दोस्तों एक फिर से कॉन्सेंट्रेशन देने का कोशिश किया है। तो दोस्तों क्या इस शेयर में हमें दिख रहा है दोस्तों? लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस शेयर में मेरा रिकमेंडेशन प्रॉपरली हाँ है, 100% है दोस्तों। इसमें लॉन्ग टर्म का जो हमारा ओपिनियन है वो पूरा हाँ है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो आपको रुझान दिखेंगे दोस्तों ये आपको एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे जो दिख रहे सब दोस्तों। मगर एक बात है दोस्तों आपको बताते, अगर इस शेयर में आपको बनना है तो लॉन्ग टर्म के लिए बने, क्योंकि दोस्तों इसका डिविडेंड पैटर्न बहुत अच्छा है। डिविडेंड पैटर्न के साथ दोस्तों इसका प्राइस एक्शन भी बहुत अच्छा है दोस्तों। अगर आप सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म या मिड टर्म में इसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपके लिए इसमें एक बड़ा धोखा हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इसके जो रुझान आए हैं, इसके क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और इसके वीकनेस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। किस तरह से इसमें वीकनेस दिख रहे हैं और किस तरह से इसके रुझान आए ये भी बात करेंगे, जिसके कारण इस शेयर में और थोड़ा सा हमें बॉटम साइड में जाते हुए इसकी रैली दिखेगी दोस्तों। बॉटम साइड में रैली जाएगी तो दोस्तों क्या हो सकता है और कितने तक गिर सकता है दोस्तों, बात करेंगे हम इसकी। जो सबसे बड़ी बात है उसका जो सपोर्ट दोस्तों 132.50 पैसे का सपोर्ट है दोस्तों, अगर उसके नीचे जाता है दोस्तों ये मार्केट और आपका 100 के लेवल तक लेके जा सकता है। अगर ये 132 को सपोर्ट, मेजर सपोर्ट मान के थोड़ा रिबाउंस लेता है, या फिर 150 का मान के थोड़ा ऊपर और बाउंस लेता है दोस्तों, ये आपको अच्छे से रुझान दिखा सकता है। मगर दोस्तों मेरी बातें ध्यान से सुनिए, लॉन्ग टर्म रिकमेंडेशन है, ना कि शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की, क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है कोई भी स्टील प्लांट है तो उसमें प्रोडक्शन नहीं चल रहा ठीक से, ना उनकी सेल्स हो रही है, ना ग्रोथ हो पा रही है दोस्तों। सबसे बड़ा यही रीज़न है इसमें ना कहने के लिए। आप करना है इसमें तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए, 10 या 15 या 20 साल का दोस्तों, बढ़िया से बढ़िया रिटर्न मिलेगी। अगर सोच रहे शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में तो दोस्तों बताएंगे कुछ बात जिसके कारण आपको इससे दूर रहना ही अच्छी बात है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आए हम कुछ फंडामेंटली बातें जानने के लिए दोस्तों। यहाँ पे मार्केट ट्रेड कर रहा है 166.15 पैसे पे, 3.75 रुपये नीचे गिरा दोस्तों फ्राइडे के सेशन में, 2.21% यहाँ पे उसकी गिरावट रही दोस्तों। क्या ये आने वाले दिनों में हमें किस तरह से रुझान दिखा सकता है इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। कैपिटल की बात करें तो दोस्तों बहुत बढ़िया कैपिटल यहाँ पे लगता हुआ मुझे, 40,162.12 करोड़ का यहाँ पे उनका कैपिटल है दोस्तों। EPS की बात करें तो EPS बहुत ही बढ़िया है, 28.33 का यहाँ पे उनका EPS है दोस्तों, और PE देखिए दोस्तों यहाँ पे 5.93 का यहाँ पे PE दोस्तों, बहुत ही इसमें डिफरेंस दिखता हुआ यहाँ पे इसका EPS बढ़िया है। मगर दोस्तों EPS की बात मानते हुए हम चल रहे थे दोस्तों, बहुत ही अच्छी बात है। मगर दोस्तों क्या इसका जो इंडस्ट्री पी वो कितना है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 4 रुपये इसका PE इंडस्ट्री PE है, तो ये 6 रुपये यहाँ पे अपनी पर्टिकुलर शेयर की एक PE दिखा रहे हैं, मतलब दोस्तों इसके इंडस्ट्री PE से ज़्यादा इसका PE है दोस्तों। ये PE
एक ज़्यादा होना एक अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इंडस्ट्री का जितना ज़्यादा पोर्शन है वो इस शेयर से आ रहा है, पी का जो एक्सपेंसेस है वो इस शेयर से आ रहा है। और दोस्तों इसका पर्टिकुलर बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया इसका ईपीएस है, मगर दोस्तों सबसे बड़ी बात मैंने जैसे लास्ट टाइम अपने टेक्निकल पे कहा कि इसका क्या है दोस्तों, लॉन्ग टर्म पे इसका बेसिस बहुत अच्छा रहेगा, और अगर शॉर्ट या मिड टर्म के लिए ले रहे दोस्तों इसमें लॉस होने के ज़्यादा संकेत बने हुए हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं अभी उनकी ट्रेंड के बारे में, ट्रेंड देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है ट्रेंड, यहाँ पे खुली खुली चेतावनी दे रहा है सबको, वेरी बेरिश है दोस्तों, यहाँ पे आपको एकदम नीचे जाने के संकेत यहाँ से मिल रहे हैं, टेक्निकल से ये ट्रेंड बता रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको खुली इन्फॉर्मेशन मिली है तो आप समझ सकते हैं दोस्तों। ये तो कुछ हो गए टेक्निकली और फंडामेंटली बातें, तो और कुछ बातें हैं जो हमें जाननी ज़रूरी है जिसके कारण हमारा जो प्रॉफिट बनेगा या फिर हमारा लॉस होने वाला वो बच सकता है, तो चलिए दोस्तों उसके बारे में हम जानेंगे। दोस्तों हम स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो स्ट्रेंथ यहाँ पे बताई जा रही है कि जो उनके प्रमोटर है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने होल्डिंग। देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर शेयर प्राइस यहाँ पे है, अगर वो नीचे नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, तो शेयर होल्डर अपना माल बेच के निकल रहे हैं, मगर दोस्तों वो माल खरीद कौन रहा है? प्रमोटर, क्योंकि उनको मालूम है ये शेयर बढ़ने वाला है कहाँ, लॉन्ग टर्म के जोन में। दोस्तों ये यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं और जो अपने रिटेल इन्वेस्टर वो बेच के निकल रहे हैं, अपना लॉस लेके निकल रहे हैं मार्केट से। एक जो बोलते हैं तिनके का सहारा है, उस तिनके के सहारे को पकड़ के निकल रहे हैं मार्केट से। दोस्तों ये सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि ऐसे मार्केट में निकलना नहीं, क्योंकि आपको और चांस मिलता है यहाँ पे बाय करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे जो उनका ग्रोथ नेट प्रॉफिट विद द इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन है। दोस्तों प्रॉफिट मार्जिन है वो बड़ा है, बहुत अच्छी बात है, मगर दोस्तों क्या ये इतने मायने में ये शेयर के लिए काफ़ी है क्या? दोस्तों मेरे हिसाब से तो नहीं है, क्योंकि और बातें कुछ होती है जिसके कारण इम्पैक्ट आते हैं बहुत सारे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं नेगेटिव बैकग्राउंड फर्स्ट सपोर्ट, एक MS डिक्रीज दे रहा है शेयर होल्डिंग लास्ट क्वार्टर। तो दोस्तों यहाँ पे लास्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड ने भी अपनी जो होल्डिंग है वो कम की है। रेड फ्लैग है दोस्तों, नीचे जाने वाला है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि नीचे जाने वाला है इसकी जो क्रेडिट क्रेडिट है दोस्तों वो कम हो चुकी है। डी ग्रोथ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में है, डिक्लाइन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, जो क्वार्टरली प्रॉफिट है दोस्तों उनका गिर चुका है। दूसरी बात करें दोस्तों डिक्लाइन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विद द फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो क्वार्टरली प्रॉफिट होते हैं दोस्तों उनमें जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी डिक्लाइन हो चुका है। फिर मेजर फॉल इन TTM नेट प्रॉफिट, देखिए दोस्तों हर चीज़ में फॉल है, फॉल है, फॉल है। रिसेंट रिजल्ट जो आया दोस्तों उसमें भी बहुत बड़ा फॉल दिखाया है, 87% के कुछ लगभग इनके लॉस हुए, 88% के आसपास लॉस हुए, जो कि अच्छी बात नहीं है इस शेयर में। फॉल इन क्वार्टरली रेवेन्यू एंड नेट प्रॉफिट, रिसेंट रिजल्ट डिक्लाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड नेट प्रॉफिट, वीक मोमेंटम प्राइस बिलो शॉर्ट टर्म मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेज। देखिए दोस्तों यहाँ पे वीकनेस आया मोमेंटम में, तो थोड़ा सा मैंने जैसे बात की कि आपको शॉर्ट और मीडियम टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। दोस्तों इसकी न्यूज़ के बारे में जानेंगे किस तरह से इसको लॉस हुआ है, इस जो क्वार्टर चल रहा है इसमें कितना बड़ा लॉस हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों हम अभी आए न्यूज़ में, न्यूज़ देखिए क्या बता रहा है। JSW स्टील क्वार्टर कंसोलिडेटेड क्वार्टर फोर कंसोलिडेटेड प्रॉफिट श्रिंक्स 87% टू ₹188 करोड़। दोस्तों सबसे बड़ी बात, इतना परसेंट अगर शेयर कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो गिर जाती है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा दिक्कत आने वाली बात क्लियरली बन जाती है। सजन जिंदाल लीड JSW स्टील ऑन May 22 रिपोर्टेड शार्प 87.42% डिक्लाइन इन कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट ₹188 करोड़ फॉर द क्वार्टर एंडेड ऑन March 31, 2020 माइनली ऑन अकाउंट ऑफ लोअर इनकम। देखिए दोस्तों यहाँ पे लोअर इनकम का एक बहुत बड़ा एक हम कह सकते हैं मेजर रीज़न है जिसके कारण इनका जो प्रॉफिट है दोस्तों बहुत नीचे गिर चुका है। 87% मतलब दोस्तों लगभग 22% की इनकी इस महीने में ग्रोथ हुई, जो कि ना के बराबर है, जो कि 100% में से 22% अपनी लाज बचाए रखे हैं मार्केट में और 88% के आसपास इन्होंने अपने प्रॉफिट गवाए। द कंपनी हायर पोस्टेड कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 1,495 करोड़ इन द ईयर एगो क्वार्टर JSW सेड इन अ BSE फाइलिंग। दोस्तों जो पिछले साल का उनका जो रिजल्ट था उसमें 1,495 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट बताया था, मगर दोस्तों अभी बात करें तो उसमें लगभग 87% की गिरावट दिख रही है। कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ड्यूरिंग अ जनवरी मार्च पीरियड वॉज 18,909 करोड़ डाउन फ्रॉम ₹22,421 करोड़। देखिए दोस्तों यहाँ पे 18,009 करोड़ का था, जो कि 22,421 करोड़ का लास्ट टाइम पे था दोस्तों, जो कि अभी 18,009 करोड़ का बन गया। दोस्तों बहुत इसमें गिरावट दिख रही है,
दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि आने वाले दिनों में इसमें क्या रुझान देखने मिल सकते हैं। दोस्तों आपको समझना है, सही तरीके से ट्रेड करना है। दोस्तों मेरा काम है इन्फॉर्मेशन रखना, मैं इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। क्रॉस वेरीफाई कीजिए, डिसीजन लीजिए। दोस्तों मार्केट में आए तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, आपका यस हो या फिर नो हो, डिसीजन लेना ही लेना है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरा शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।